फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है लौंग। लौंग हम सभी के घर में उपलब्ध होती हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हमारी सेहत के साथ साथ आज मैं आपको इसका एक फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि प्लांट में बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा। प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ होने लगेगी, फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल अच्छी मात्रा में आएंगे, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन्स, जिंक जैसे तत्व जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो इससे बना फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। और प्लांट में विकास के साथ साथ किसी भी तरह के सॉइल में यदि बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट होते हैं या फिर प्लांट को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े, ये सभी इससे दूर होते हैं। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी, इसके बाद मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। इस फर्टिलाइज़र की प्लांट को अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बदलते मौसम में प्लांट में इंसेक्ट अटैक होता है और मिट्टी में भी कई तरह के कीड़े और फंगस हो जाते हैं जो कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट के अच्छे विकास के लिए सॉइल का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है और प्लांट का डिसीज़ से फ्री रहना और इंसेक्ट से फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि प्लांट में किसी तरह की डिसीज़ या इंसेक्ट रहते हैं तो पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। हम किसी भी तरह का यदि फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी उसका फ़ायदा प्लांट को नहीं पहुंचता है। तो जड़ों की मजबूती के लिए और प्लांट की अच्छे ग्रोथ के लिए आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाना ही होगा। तो मैं ये फर्टिलाइज़र जो यूज़ करूँगी ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखेगा और पीएच एसिडिक कर देगा, जिससे कि जो फूलों वाले पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और प्लांट में फूल भी बहुत आएंगे। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हमें कैसे बनाना है। तो मैंने लिया है ये एक लीटर पानी। एक लीटर पानी में मैं 10 से 12 लौंग डालूँगी। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है, यूज़ की हुई चाय पत्ती। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको आप अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और फिर अपने प्लांट के लिए यूज़ करें। तो मैंने ये 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। आप यदि फ्रेश टी लीफ का यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ यूज़ करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें उबालना होगा। मैं उबालने के लिए रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी आपको किस तरह से इसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसको हमें अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है, तो मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो ये हमें फर्टिलाइज़र मिल चुका है। अब इसको 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग आपको सादा पानी लेना है। 1 भाग मेरे पास ये फर्टिलाइज़र है तो मैं इसमें 5 लीटर पानी लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 लीटर पानी है और 1 लीटर फर्टिलाइज़र इसमें मिला दिया है। इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसे प्लांट की सॉइल में डालना है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। महीने में 1 बार इसका यूज़ ज़रूर करें। यदि आप प्लांट पर स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए इसको और डाइल्यूट कर लें। कम से कम 8 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र, और उसके बाद आप अपने प्लांट पर इस तरह से इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि यदि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट है तो वो भी दूर होगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।